हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी टू स्टडीज़। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। फ्रेंड, मैं हूं सरफराज। आज रीजनिंग बूस्टर्स 07 के साथ में उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए तो रीजनिंग बूस्टर 07 लेके आया हूं। इसमें देखते हैं 25 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन कहां कहां से पूछा गया और किस तरीके से सोल्व करना है। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन आ गया। सीरीज आपके पास दे रखी है 4, 5.2, 6.4, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, आगे दे रखा है 8.8। तो यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। देखिएगा फ्रेंड, ये सीरीज किस तरीके से चल रही है। सबसे पहले 4 है, उसके बाद में 5.2 है, 6.4 है, अगेन क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पर क्या है 8.8। देखो फ्रेंड, जो सीरीज आपके पास में दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग ये धीरे धीरे स्लो ग्रोथ है। तो स्लो ग्रोथ किसके अकॉर्डिंग है, डिफरेंस के अकॉर्डिंग। तो 4 से 5.2 यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है 1.2, 5.2 से 6.4 यहाँ पर ही प्लस के 1.2, तो 1.2 का रिपीटेशन चल रहा है, तो यहाँ पर ही प्लस के 1.2 करोगे तो 7.6 आएगा, और 7.6 में अगर प्लस के 1.2 करता हूँ तो क्या मिलेगा 8.8। तो 7.6 के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में अगेन सीरीज का है, रिपीटेशन सीरीज है। रिपीटेशन यहाँ पर अपने पास अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इनमें क्या है रिलेशन, 1, 2, 1, फिर यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, 2, 2, 1, ब्लैंक स्पेस है, 2, ब्लैंक स्पेस 1। तो यहाँ पर अगर नंबर को मैं काउंट करता हूँ विद ब्लैंक स्पेस, तो टोटल अपने पास कितनी पोजीशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 का कॉम्बिनेशन, अब 12 का कॉम्बिनेशन या तो 4 के कॉम्बिनेशन में बनेगा या 3 के कॉम्बिनेशन में। अगर मैं 4 के कॉम्बिनेशन में बनाता हूँ तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 1 है, तो यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 1। तो ये सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। देखते हैं इसका रिपीटेशन चल रहा है क्या, 1, 2, 2, 1, तो 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1 सीरीज स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, उसके बाद में क्या रहा है 1 आ रहा है, उसके बाद में 1 आ रहा है, उसके बाद में क्या है 2 है। तो 2, 1, 1, 2 ऐसा कहीं ऑप्शन में मिल रहा है, हाँ ऑप्शन में है अपने पास में, सी ऑप्शन में। आगे देखिएगा, एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया। 60 से रिलेशन दे रखा है 24 का, तो 480 का रिलेशन। तो ऑब्वियस ही बात है फ्रेंड, अगर आपके पास में ये दे रखा है 60 से 24, 480 और यहाँ पर पूछा गया क्या नंबर है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, रेशियो और प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कैसे अपने पास में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होगा। तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना हो तो 24 जो इनर एलिमेंट है इनका आपस में मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइड बाई 60, तो ये कितना हो गया 8, और 24 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आंसर आएगा 192। कौन सा ऑप्शन से, ए ऑप्शन से। लेटर एनालॉजी आ गई। अब लेटर एनालॉजी में स्टार्टिंग में आपको पूछा गया क्वेश्चन मार्क दे रखा, लेकिन यहां पर होप से आई पी क्यू एंड एफ का रिलेशन कैसे आ रहा है, देखिएगा एच से आई, ओ से पी, पी से क्यू, ई से एफ, तो सब में क्या हो रहा है प्लस वन हो रहा है। तो इसी तरीके से इसमें भी प्लस वन करोगे, एम में प्लस वन करोगे क्या आएगा एन, ओ में प्लस वन करोगे पी, एल में प्लस वन करोगे एम, टी में प्लस वन करोगे यू, और यू में प्लस वन करोगे वी। तो एन पी एम यू एंड वी, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन से, बी ऑप्शन से। तो आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन। ये जो एनालॉगी है वर्ड की एनालॉगी आ गई। अब देखो वर्ड में क्या रिलेशन दे रखा है, विमान का पायलट दे रखा है, मतलब एरोप्लेन को कौन अपने पास में ड्राइव करता है, पायलट। इसी तरीके से जहाज को चलाने वाला, जो शिप को चलाने वाला है उसको बोला जाता है कैप्टन। कैप्टन के लिए कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ऑडियो नाउट आ गया, क्लासिफिकेशन आ गया। क्लासिफिकेशन नंबर का क्लासिफिकेशन कैसे दे रखा है, 80 और 60, 96 और 80, 64 48, और यहाँ पर 104 and 78। तो यहाँ पर नंबर का अगर मैं रिलेशन देखता हूँ, देखिएगा फ्रेंड यहाँ पर अगर मैं इनका रेशियो भी देखता हूँ, अनुपात देखता हूँ, तो अनुपात के अकॉर्डिंग ही अगर 20 से इनको मैं डिवाइड करूँ तो 4:3। इसका देखूंगा, देखिएगा अपने बाद में, अगर यहाँ से अपने बाद में मैं देखता हूँ तो यहाँ पर 16 से देखूंगा तो 16 से ये 6 times हो गया, और ये कितना हो गया 5 times अनुपात। इसका अगर देखते हैं यहाँ पर रेशियो, तो 16 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना हो गया 4:3। इसमें भी अगर आप रेशियो देखोगे तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है 4:3 ही आ रहा है,
और वो किससे अपने बाद में, अगर आप देखते हो तो 26 है, 26 से अपने बाद में इसको डिवाइड करोगे तो ये 4 और ये कितना हो गया 3, तो कौन सा रेशियो सबसे अलग है, बी ऑप्शन का रेशियो सबसे अलग है, तो ये अपने पास में आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन लेटर क्लासिफिकेशन का आ गया। अब देखो लेटर क्लासिफिकेशन में जो ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन में जितने भी लेटर हैं सारे के सारे कॉन्जुगेटिव हैं, लेकिन इनकी सीक्वेंस है ए के बाद में बी, फिर इधर से सी और डी, और फिर लास्ट में क्या है ई है। इसमें भी देखते हैं के से एल, एम से एन, और लास्ट में क्या गया ओ, दोनों एक ही ग्रुप के हो गए। यहाँ से देखते हैं एस से टी, यू से वी, और लास्ट में कौन आ गया डब्ल्यू। यहाँ से देखते हैं पी से क्यू, लेकिन आर से यहाँ पर आपको एस मिलना चाहिए था लेकिन टी मिल रहा है, इसका मतलब आंसर क्या जाएगा डी ऑप्शन। आगे दे रखा वर्ड क्लासिफिकेशन, वर्ड क्लासिफिकेशन में दे रखा तुलसी, चमेली, ट्यूलिप, गुलाब, तो बोला गया सबसे अलग कौन सा है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर फ्लावर दे रखे हैं, फूल दे रखे हैं। अगर फूल का मैं थोड़ा सा अपने पास में यूज़ देखता हूँ तो तुलसी ही ऐसा अपने पास में प्लांट है जिसका मेडिसिनल यूज है, औषधीय उपयोग है, और बाकी इनका किसी भी मेडिसिन में काम नहीं आता, तो सबसे अलग कौन सा हो गया अपने पास में ए ऑप्शन तुलसी। अलग अलग वर्ड का कॉम्बिनेशन दे रखा है, इनको अरेंज करना है तो अरेंज करने के लिए वही सबसे पहले दे रखा है कंज्यूम, सेकेंड नंबर में कॉन्सियसनेस, थर्ड नंबर कॉन्सिक्वेंस, कंसाइंस, फोर्थ नंबर कंजर्वेशन, एंड फिफ्थ नंबर कॉन्सिक्वेंस। देखो फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन अपन ने प्रीवियस बूस्टर में किया था, इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो जो भी अपने पास में सिमिलर, जहाँ जहाँ सिमिलर लेटर आते जा रहे हैं उसको कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि वहाँ से डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अगर इनमें सब में देखते हो तो चार लेटर कॉमन आ रहे हैं, सी ओ एन एस, इसमें भी सी ओ एन एस, इसमें भी सी ओ एन एस, इसमें भी सी ओ एन एस, और यहाँ पर भी कह रहे हैं सी ओ एन एस। अब फिफ्थ लेटर से डिसाइड करेंगे, यहाँ पर यू है, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें ई है, और इसमें ई है, इसका मतलब सी अपने पास में सबसे पहले आता है, तो इन दोनों से डिसाइड होगा फर्स्ट और सेकंड पोजीशन। देखते हैं अपने पास में, इसमें भी सी कॉमन, इसमें भी सी कॉमन, इसमें आई कॉमन, इसमें आई कॉमन, ओ और ई, तो सबसे पहले कौन आता है ई आता है, ई का मतलब थर्ड, और उसके बाद में कौन आएगा टू। अब आगे वाले में ये जो यू वाला है ये तो सबसे लास्ट में चला गया, क्योंकि इन दोनों में क्या रहा है ई आ रहा है, ई ई को कैंसिल आउट करूंगा, आर और क्यू में पहले कौन आता है क्यू आता है, क्यू का नंबर कौन सा है 5, और उसके बाद में कौन आएगा 4। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें 3, 2, 5, 4, 1, ऐसा कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स आ गया, इनको अपने बाद में इस तरीके से इनको अरेंज करना है, इनका सीक्वेंस बनाना है कि इनका कुछ ना कुछ मीनिंग निकले। अब देखिए अपने पास में पेड़ दे रखा है, बीज दे रखा है, फूल है, पौधा है और फल है, तो सबसे पहले इसका सबसे छोटा पार्ट कौन सा हो गया बीज हो गया, सीड हो गया, और बीज से अपने पास में पौधा, छोटा पौधा, पौधे से क्या बनेगा पेड़, पेड़ के बाद में उसमें फूल आएंगे, और फूल से क्या आएगा फल, तो यहाँ पर अपने पास में 3, 5, 1, 2, 5, 1, 3, 4 ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ सी ऑप्शन से, तो आंसर क्या जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो है वो सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। लीनियर है, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, एक पंक्ति में 5 झोपड़ियाँ हैं जिनके नाम डी आई के और एम है, के जो है वो डी के के दाईं ओर और डी के बाईं ओर ओ है। देखो ओ की पोजीशन दे रखी, ओ दे रखा है के राइट में है तो के राइट में से, और डी के लेफ्ट में है तो यहाँ पर कौन आ जाएगा डी के लेफ्ट में, आई जो है वो डी के राइट में, इसका मतलब डी के राइट में कौन आ गया आई, आगे दे रखा है आई जो है वो किसके लेफ्ट में है एम के बाईं ओर है, तो ये सीक्वेंस बन गया। और क्वेश्चन में बोला गया कौन सी झोपड़ी बीच में है, तो कौन सी झोपड़ी बीच में दिख रही है डी दिख रही है, तो आंसर क्या जाएगा सी ऑप्शन डी। आगे आपके पास में मिसिंग नंबर का आ गया, और मिसिंग नंबर जो दे रखा है इनका देखना है कि आपस में क्या रिलेशन है। देखिएगा फ्रेंड ये जो दोनों नंबर है इससे बड़ा नंबर आ रहा है 480, इन दोनों नंबर से भी बड़ा नंबर आ रहा है, अब कैसे रिलेशन है।
अगर 86 माइनस 38 करूंगा तो यहाँ पर अपने पास में मिलता है 48, लेकिन यहाँ पर दे रखा 480 का कॉम्बिनेशन 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिल रहा है 480। तो ये इसमें भी अप्लाई हो रहा है क्या, वो देखते हैं। 72 माइनस 21 51, और 51 को जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना रहा 550। तो ये रूल इसमें भी अप्लाई करता हूँ, 36 माइनस 12, और 36 माइनस 12 करूंगा तो 24 आएगा, और 24 को अगेन 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 240 कौन सा ऑप्शन से, डी ऑप्शन से। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। मोंको देखिएगा, मोंको का रिलेशन आपने पास में दे रखा है, कोडिंग क्या कर रखी है मोंको की, 5 7 6 3 और 7। कैसे अपने पास में m की प्लेस वैल्यू कितना 13, o का कितना 15, n का कितना 14, k का 11 और o का कितना है 15। देखो कैसे कर रखा है, इनका सम ऑफ डिजिट्स अंकों का योग 1+3 करूंगा तो 1+3 कितना 4, और 4 से 5 दे रखा है मतलब +1। यहाँ पर 15 में सम ऑफ डिजिट्स 1+5 कितना 6, और 6+1 करूंगा कितना आ गया 7। यहाँ पे भी 1+4 5, और 5 में +1 करूंगा 6, 1+1 2, 2+1 करूंगा 3, 1+5 6, और 6+1 करूंगा क्या आएगा 7। तो इसी तरीके से बोला गया है के जे के एल जे एम एन एन, इसकी कोडिंग करनी है। देखो के का कितना है 11, 1+1 2, और 2+1 करूंगा कितना आएगा 3, एल का 12, 2+1 3, और 3 में +1 करूंगा 4, जे का 10, 1+0 1, और 1+1 करूंगा कितना आएगा 2, एम का 13, 1+3 4, और 4+1 करूंगा 5, और एन का 14, 1+4 5, 5+1 करूंगा क्या आएगा 6 आएगा। तो इसका मतलब इसकी कोडिंग हो जाएगी 3 4 2 5 6, ऐसा कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ बी ऑप्शन में। कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1996 को हुआ है, शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले। इसका मतलब अगर सुरेश से 6 दिन पहले हैं तो 4 अक्टूबर में 1999 में अगर मैं 6 दिन पहले अगर मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पर डेट आएगी 28 सितंबर 1996, और इसको कौन सा अपने बाद में शशिकांत है। तो क्वेश्चन में बोला गया उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त, और उसी वर्ष का दे रखा मतलब 1999, इसको कौन सा दिन दे रखा है, रविवार दे रखा है, संडे दे रखा है, और क्वेश्चन में बोला गया शशिकांत का जन्म कौन से दिन हुआ है। तो आपको क्या करना है, 15 अगस्त से लेकर 28 सितंबर तक ओड डेज निकालने, विषम दिन निकालने। अब देखिए कैसे, अब अगस्त से मैं स्टार्टिंग करता हूँ तो अगस्त में 15 दिन जा चुके हैं, टोटल 31 डेज का होता है, तो 15 दिन जा चुके हैं तो अगस्त में कितने दिन बचे हैं 16 दिन। तो अगस्त में 16 दिनों के अकॉर्डिंग अगर मैं विषम दिन निकालूंगा तो 16 में 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना आएगा, सेसफिल कितना आएगा 2। उसके बाद में सेप्टेम्बर, और सेप्टेम्बर में कितने दिन चाहिए, जितनी तारीख दे रखी है 28, और 28 में विषम दिनों की संख्या कितनी 0, तो 2+0 तो विषम दिनों की संख्या ओड डेज कितने आ गए 2 आ गए। तो संडे में अगर मैं प्लस के 2 करूंगा तो प्लस के 2 करूंगा तो क्या जाएगा ट्यूसडे, मतलब मंगलवार, और मंगलवार के लिए कौन सा ऑप्शन सही, ए ऑप्शन सही। आगे देखिएगा, क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित विकल्पों में से वे शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। वर्ड दे रखा है इंटेलिजेंस, इसका यूज करते हुए कौन सा नहीं बनाया जा सकता। फ्रेंड अगर मैं जेंटल में फर्स्ट वाले ऑप्शन में आता हूँ, जेंटल जी बी है, ई बी है, एन बी है, टी एल ई, ये तो बनाया जा सकता है। इनसाइट पे आ रहा हूँ आई एन सी आई टी, ये भी बनाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही मैं सी ऑप्शन में आ रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, और इंटेलिजेंस में कहीं पर भी ए नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, और कोडेड ब्लड रिलेशन है, प्लस का मतलब दे रखा फादर का रिलेशन, माइनस का मतलब मदर है, स्टार का मतलब दे रखा ब्रदर, और परसेंटेज का मतलब दे रखा सिस्टर, और इक्वेशन दे रखी है P+Q*R-S।
तो आप क्या करोगे, जो भी आपके पास में कोडेड दे रखा है, कोडेड डायरेक्शन दे रखे है, उसके अकॉर्डिंग इसकी फेमिलिटी बनाओगे। पी और क्यू में प्लस है, और प्लस का मतलब फादर है, इसका मतलब पी फादर है किसका, क्यू का, तो ऐसे ही बनेगा, पी फादर हो गया क्यू का। क्यू और आर में स्टार है, और स्टार का मतलब दे रखा ब्रदर, इसका मतलब क्यू ब्रदर है किसका, आर का। इसका मतलब क्यू और आर दोनों के दोनों चिल्ड्रन हो गए किसके, पी के। उसके बाद में आर और एस में माइनस दे रखा, माइनस का मतलब मदर है, इसका मतलब आर मदर हो गई किसकी, एस की, तो एस यहां पर आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है क्यू एस से किस प्रकार रिलेटेड है, क्यू का रिलेशन बताना है एस के थ्रू, एस की मम्मी, और मम्मी का जो ब्रदर है वो क्या कहलाता है, अपने पास में अंकल कहलाता है, मेटरनल अंकल, मामा का रिलेशन, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, एक्स और वाई एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं, देखते हैं अपने पास में एक बिंदु, मैं मान लेता हूँ इस बिंदु से स्टार्टिंग की। एक्स पश्चिम की ओर 17 मीटर चलता है, ये सबसे पहले मैं एक्स का अपने पास में देख रहा हूँ, 17 मीटर पश्चिम की ओर चला गया। फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, और यहाँ से दाहिनी ओर कितना जा रहा है, 13 मीटर। उसी समय वाई उत्तर की ओर, यहाँ से इसी पॉइंट से वाई उत्तर की ओर 9 मीटर चलता है, ये कितना हो गया 9। फिर पूर्व की ओर मुड़ करके 7 मीटर चलता है, ये पूर्व की ओर मुड़ा और कितना चल गया, 7 मीटर। फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, देखो बाईं ओर का मतलब नॉर्थ में, और ऑब्वियस ही बात है मैंने आपको बताया फ्रेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक 13 है, और ये जो डिस्टेंस है 9 है, तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, तो 9 प्लस 4 कितना हो गया, 13। तो क्वेश्चन में बोला गया एक्स की स्थिति में अब वाई कहाँ पर है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर अपने पास में देखो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन आ गया, वाई, और यहाँ पर कौन आ गया, एक्स। क्वेश्चन में बोला गया एक्स की स्थिति में, एक्स की स्थिति यहाँ पर है, वाई कहाँ पर है। अगर मैं डायरेक्शन के बारे में बात करूँगा तो ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगी, और डिस्टेंस कितनी है, 17 प्लस 7 कितना हो गया, 24, क्योंकि ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 17, और ये 7 है, तो 17 प्लस 7 24, और 24 ईस्ट कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट कंक्लूजन का आ गया, निष्कर्ष का आ गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आक्रामक जानवरों को अवसरों के अनुसार व्यवहार करने का प्रशिक्षण पूरे ध्यान और प्यार से दिया जा सकता है, इसका मतलब यहाँ पर ये बोला गया जो भी अपने पास में वाइल्ड जानवर होते हैं, जो आक्रामक हो जाते हैं, उनको अगर थोड़ा सा अपने पास ट्रेनिंग दी जाए तो उनको थोड़ा उन पर कंट्रोल किया जा सकता है। अब अपने पास फर्स्ट में दे रखा है प्रशिक्षित कुत्ते आक्रामक नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, यहाँ पर ये थोड़ी बोला कि आपने ट्रेनिंग देने के बाद में कि उनको अपने पास आक्रामक रहेंगे नहीं, कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं जो ट्रेनिंग देने के बाद में भी अपने पास वाइल्ड हो सकते हैं, आक्रामक हो सकते हैं, तो फर्स्ट वाला रहूँ। सेकंड वाला दे रखा है जानवर हमेशा आक्रामक होते हैं, बेशर्ते उन पर ध्यान में प्यार नहीं दिया जाए, देखो सारे जानवर तो आक्रामक नहीं होते, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सीधे भी होते हैं, अपने पास में इतने खतरनाक नहीं होते, तो ये वाला भी अपने पास में रॉन्ग हो गया, दोनों के दोनों कंक्लूजन इससे अपने पास में रॉन्ग हो गए, तो आंसर जाएगा डी ऑप्शन। मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया, एड्रेस देखते हैं, ए का एड्रेस दे रखा है 01, 01 वही रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन, 1414 पे ए। ओ का एड्रेस दे रखा 5959, वो का वही सेम इसमें रो और कॉलम, और क्वेश्चन में बोला गया पल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, एलिमिनेशन से करोगे, सबसे पहले पी का एड्रेस चेक करोगे, इसके अकॉर्डिंग 00 पे पी है, 00 पी है, 13 और 3 पे पी आ रहा है, 12 और 2 पे जेड है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ई का एड्रेस चेक करते हैं, ई का एड्रेस यहाँ पर 66, तो 6 और 6 पे ई है, इसमें देखते हैं 55 और 5 पे ई है, इसमें दे रखा 77, तो 7 और 7 पे भी ई है, ई का एड्रेस सही है। ए का एड्रेस चेक करते हैं, ए का एड्रेस 1414 पे ए है, 22 और 2 पे ए है, 30 और 0 पे ए है, ए का भी एड्रेस सही है। आर का एड्रेस चेक करते हैं, फोर्थ पोजीशन पे 3 और 2 यहाँ पर आर आ रहा है, इसमें 1 और 1 आर आ रहा है, 1 और 4 पे यहाँ पर क्या है, ए है, इसका मतलब अपने पास में सी वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब या तो ए और बी में बचे, उसमें एल का एड्रेस चेक करता हूँ, एल का एड्रेस 56 देखिएगा,
फाइव और सिक्स पे यहाँ पर तो कौन आ रहा है, एम आ रहा है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट। और इसमें नाइन सिक्स दे रखा है, इसका नाइन यहाँ पर, सिक्स यहाँ पर, यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है, एल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन। तो आपको रो लेना है, पहले पंक्ति लेनी है या स्तंभ लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो एड्रेस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है कि पहले रो ले रखा है या कॉलम। वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित आकृति में आयत जो है वो प्लम्बर को बता रही है, आयत है ये, क्या है, प्लम्बर। वृत्त जो है वो एथलेटिक्स को, ये वृत्त जो है वो क्या है, एथलीट है। त्रिभुज जो है वो गेमर्स को, ये त्रिभुज क्या हो गए, गेमर्स। और वर्ग जो है वो बता रहा है क्रिकेटर्स को। क्वेश्चन में बोला गया अक्षरों का कौन सा समूह है जो उन लोगों को प्रदर्शित करता है जो एथलेटिक्स के साथ क्रिकेटर्स भी, मतलब एथलीट और क्रिकेटर दोनों में कॉमन एक तो सी मिल रहा है और एक कौन मिल रहा है, डी भी आ रहा है। तो सी डी का कॉम्बिनेशन कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। आगे दे रखा है वेन डायग्राम बनाना है, पुरुष पिता एडवोकेट। देखो फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा अपने बारे में पता चल रहा है, अगर इन दोनों में मैं एड्रेस देखता हूँ तो ऑल का रिलेशन आ रहा है सभी का, क्योंकि जितने भी पिता होंगे वो क्या होंगे, पुरुष होंगे। पिता और एडवोकेट में इसमें किसका आ रहा है, सम का आ रहा है। सारे पिता एडवोकेट थोड़ी होते हैं, कुछ पिता एडवोकेट होते हैं। यहाँ पर इन दोनों में देखूंगा तो इनमें भी अपने बाद में रिलेशन किसका रहा, सम का रहा है, क्योंकि कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो एडवोकेट होते हैं, इसका मतलब कुछ महिला भी एडवोकेट होगी। तो यहाँ पर सम का रिलेशन आ गया, तो एक ओल दो सम के लिए, तो यहाँ पर ऐसे बनेगा एक ओल तो ये हो गया और दो सम ये हो गए अपने पास में, ऐसा कौन सा ऑप्शन से, ए ऑप्शन। यहाँ पर दे रखा है ओके, एक अपने पास में टिकी बेस क्वेश्चन आ गया, 12+10 से 1205 दे रखा है, 11+8 से 885 दे रखा है। तो आपस में आपको पूछा गया है 16+15 से, देखिएगा फ्रेंड 12+10 इससे दे रखा है 1205, 11+8 यहाँ पर दे रखा है 885। अगर यहाँ पर देखता हूँ तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर है, लेकिन ये 5 जो है इसमें बस केवल केवल ऐड किया गया है। तो इसका मतलब अगर इसी तरीके से देखूं 16 और 15 का अगर मल्टीप्लीकेशन देखता हूं तो यहां पर कितना आ गया, 240 आ गया, लेकिन लास्ट में मुझे केवल केवल 5 ऐड करना है, तो 2405 ऐसा कौन सा ऑप्शन से, ए ऑप्शन। मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब निकालना, वर्ड क्या दे रखा है, रीजनिंग, तो रीजनिंग का मिरर इमेज इस तरीके से। तो सबसे पहले अगर स्टार्टिंग होगी तो मुझे बताओ मिरर के नजदीक कौन है, जी है, तो सबसे पहले अपने पास स्टार्टिंग किससे होगी, जी के उससे स्टार्ट होगी, यहाँ पर आर के उससे हो रही है, कैंसिल आउट। जी का अगर आप चेंज करोगे तो जी में तो इस तरीके से चेंज होगा, सेम ऐसा कैसा तो नहीं बनेगा। इसमें आर से स्टार्टिंग हो रही है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें देखो अपने पास मिरर इमेज बन रही है, क्योंकि मिरर इमेज का मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, लेफ्ट और राइट पार्ट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, टॉप और बॉटम में कोई चेंजिंग नहीं होती। पेपर कटिंग फोल्डिंग आ गया, देखो एक इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में आपके पास में पेपर दे रखा है, इस पेपर के ऊपर वाले जो कॉर्नर हैं उसको इस तरीके से फोल्ड किया गया है, बस इतना सा दिखाई देगा ये वाले कोने। अब इस कोनों को भी फोल्ड कर दिया गया, इसका मतलब एक तरीके से रेक्टेंगल टाइप में दिखाई दे रहा है। उसके बाद में दो छोटे छोटे से रेक्टेंगल की कटिंग कर रखी है। अब देखिएगा फ्रेंड, अगर इससे मैं इस पर आऊँगा तो मुझे बताओ यहाँ पर तो कोई चेंजिंग होना नहीं है, ये तो ऐसा कैसे दिखाई देगा, क्योंकि ये जो पार्ट इसमें ओवरलैप हो रहा है उसमें तो इनकी कटिंग होगी नहीं। अब उसके बाद में यहाँ पर होने के बाद जैसे यहाँ पर ये है, अब जब इसको मैं ओपन करूँगा तो ये वाला जो अपने वाला इसके ऊपर ओवरलैप हो चुका था वहाँ पर, यहाँ पर भी मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेंगे, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन इसमें आपके पास में आ गया, इसमें कितने ट्राइंगल हैं। देखो फ्रेंड ट्राइंगल का एक कॉम्बिनेशन मैंने आपको ये बताया था, अगर कोई आपके पास स्क्वायर दे रखा है और उसके डायगोनल दे रखे हैं तो नंबरिंग करोगे 1, 2, 3 और 4, जितनी नंबरिंग आ रही है उसका डबल कर दोगे, तो यहाँ पर ट्राइंगल कितने हो गए, 8। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है देखिएगा, इसमें कितने हैं, 8, लेकिन आगे भी आपके पास में दे रखा है इसमें भी 8, आगे और दे रखा है इसमें भी 8, आगे एक और दे रखा है इसमें भी कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो यहाँ पर 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8, इसका मतलब 32 का कॉम्बिनेशन तो बनेगा ही बनेगा।
लेकिन जब दोनों को यहाँ पे जितने भी डायग्राम है सबको अगर मैं मर्ज करूंगा तो कुछ कॉमन भी बनेंगे, देखते कॉमन। जैसे ये अपने पास में पॉइंट है, इससे एक इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है, ऐसे इसी तरीके से पॉइंट ऊपर की तरफ बन रहा है, इससे भी एक नीचे की तरफ बन रहा है, इससे ऊपर की तरफ, इससे नीचे की तरफ, इससे ऊपर की तरफ। तो ये जो डॉट है इससे भी एक 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 और एक। अब ऊपर वाले जो ट्राइंगल है ये वाला जो कॉम्बिनेशन 1+2 तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 3, 1 और 2 यहाँ पर भी कितना बन जाएगा 3। तो टोटल कितने बन गए देखो, 32 तो यहाँ पर बन चुके थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ पर 6 एक्स्ट्रा भी बन गए थे, तो 32 + 6 और यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन बनाया +k 3 + k 3 तो टोटल अपने पास 32 + 6 कितना हो गया 38 और 38 + 6 कितना हो गया 44। तो इस तरीके से ट्राइंगल को अपन ने काउंट किए हैं। तो फ्रेंड जो भी मैंने आपको पढ़ाया आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।